तो अगर कोई पॉइंट देकर टैंजेंट की बात करते हैं तो हमें चेक करना चाहिए कि पॉइंट कहाँ है, पहली बात। और वाई माइनस के को आर साइन थीटा, समझ रहे हो? हमेशा आपको याद रखनी है, और इवन सभी बाकी सभी कर्व के लिए भी याद रखनी है। लिखिए, ये भाई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देता है टैंजेंट का एक साथ, तो कभी मान लो आपको पॉइंट ऑफ टैंजेंट, जैसा कि मैंने पहले ही फोटो माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन, होगा कि नहीं? तो आप ऐसे लिखेंगे दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25, और इसमें पॉइंट को रख के देंगे। समझते हो, नींद से जागने में टाइम लगता है। तो अगर कोई पॉइंट देकर टैंजेंट की बात करते हैं तो हमें चेक करना चाहिए कि पॉइंट कहाँ है, पहली बात। पॉइंट अगर आउटसाइड है तो हमारे लिए टेंजेंट, हम टेंजेंट की अप्रोच रहेगी वाई इक्वल टू वो स्ट्रेट लाइन है ना, वो टेंजेंट का जो हमने इक्वेशन निकाला वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर, कल हमने निकाला था, ठीक है। डायरेक्टर सर्कल भी कल किया था, इसी से हमने निकाला था। फिर मैंने कहा था डायरेक्टर सर्कल ही नहीं, कल को एंगल 5/3 दे देंगे तो भी लोकस आपको निकालना आना चाहिए। क्वाड्रेटिक बनाई थी एम में, वो जरूरी चीज़ थी। दूसरी, टी इक्वल टू जीरो कब लगता है? जब पॉइंट ऑन द कर्व हो, ऑन द कर्व हो, ठीक है। अब उसका उल्टा भी करके दिखाया कि यानी कि पॉइंट दें और सर्कल दें और पॉइंट ऑन द कर्व हो तो आप टेंजेंट लिख ले तो टी इक्वल टू जीरो है ना, एक्स स्क्वायर बाई एक्स एक्स वाई, कुछ रिप्लेसमेंट करते हैं आप। और उसके बाद आप उल्टा बोले कि अगर मैं आपको टेंजेंट दूं, बोले टच करती हुई जा रही है सर्कल को, और वो पॉइंट बताओ कहाँ टच कर रही है, तो भी हम निकाल सकते हो। कैसे? पहले वो पॉइंट मान लोगे एक्स वन वाई वन, सही? नहीं, भूल गए या याद है? इसको समझने का प्रयास करो कि हाँ भाई आता है, ये कर सकते हैं। एक्स वन वाई वन अगर पॉइंट ढूंढो, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो क्या करते थे उससे हम सर्कल इक्वेशन लिख लेंगे टी इक्वल टू जीरो, फिर उस लाइन को और उस लाइन को बोलेंगे सेम है, देन ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू से काम हो जाता है, ठीक है। आगे चलें तो आज हम सबसे पहले जान लेते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, यानी कि पैरामेट्रिक इक्वेशन सर्कल की एक है, वो जानेंगे आज, ठीक है। तो बेसिकली हमने कौन कौन से पहले किए थे, हमने डायमेट्रिक किया, सेंट्रल किया और जनरल फॉर्म किया। तो एक पैरामेट्रिक भी होता है, तो शुरुआत करते हैं पैरामेट्रिक से। तो हेडिंग देने सब लोग साथ साथ चलिए, मेरे सर बोल रहे थे बहुत स्लो चलते हो आप लोग। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, हेडिंग दे दे पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो जानते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, ठीक है। आइए, सब लोग रेडी हो गए? ठीक है, तो पैरामेट्रिक वैसे भी सब जानते हैं, मैं डायरेक्ट काम की बातें लिख देते हैं। जैसे कोई सर्कल होता है, सेंटर जीरो जीरो ले रहे हैं अभी, जीरो जीरो लेने का मतलब यह है कि एक्स एक्सिस ये रही, वाई एक्सिस ये रही, और कोई भी पॉइंट सर्कल पर हमें मानना है जो कि यहां पर है, मान लेते हैं आर डिस्टेंस, क्योंकि रेडियस ही होती है आर होती है, आर डिस्टेंस पर है और कुछ थीटा एंगल पर है, तो आपको दो हाइट की जरूरत है, एक ये और एक ये लेंथ। तो आप दोनों लेंथ बता सकते हो फिर मुझे, है ना? नीचे वाली लेंथ क्या होगी, एक्स एक्सिस पर आर कॉस थीटा, और ये क्या होगी, आर साइन थीटा। यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं आपको, है ना? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। तो यानी कि ये इसका पैरामेट्रिक हो जाता है। सबसे पहला सर्कल कौन सा है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस y square is equal to r square. तो इसका पैरामेट्रिक जो फॉर्म होता है वो होता है r cos theta, या ऐसे लिखूं क्या मैं, x is equal to r cos theta और y is equal to r sin theta। कल को तुम इन दोनों से, यहाँ पर थीटा को हम पैरामेट्रिक वेरिएबल बोलते हैं, है ना? अगर हम थीटा को हटा दें तो बेसिकली कहने वाली बात है, ये भी एक सर्कल है, ये ठीक है। जिस दिन आप sin theta, sin square theta plus cos square theta 1 लगाएंगे इसमें, तो अपने आप सर्कल आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बोले तो वाई बाई आर, है ना? तो वाई बाई आर का स्क्वायर प्लस एक्स बाई आर का स्क्वायर, तो अपने आप सर्कल बन जाता है इज इक्वल टू वन। सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सर्कल बन जाएगा। तो लेकिन हमारे लिए, हमें सेंट्रल फॉर्म के लिए भी जान लेना चाहिए, तो सेंट्रल फॉर्म के लिए चलते हैं। तो दूसरा अब इक्वेशन है, बार बार बनाऊंगा नहीं मैं फोटो। तो सेंट्रल फॉर्म हमारा रहता है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये भी एक सर्कल है, तो इसको भी हमें पैरामेट्रिक में लिखना हो तो क्या करेंगे? तो बात वही है अपनी कि आज x की जगह क्या हुआ, शिफ्ट हुआ है। इसमें और इसमें फर्क क्या है? उसमें सेंटर ओरिजिन था, यहाँ पर hk पे पहुंच गया, यानी कि ओरिजिन शिफ्ट हुआ है। ओरिजिन शिफ्टिंग पढ़ाया था ना, ओरिजिन शिफ्ट हुआ है।
तो ओरिजिन शिफ्ट होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, यानी कि आप x माइनस h को r cos थीटा लिख सकते थे और y माइनस k को r sin थीटा, समझ रहे हो? y के साथ हमेशा sin रिलेटेड होता है और x के साथ हमेशा cos, समझ में आ रहा है? तो यहां से आपको समझ में आएगा कि x इज इक्वल टू, देखो लिखा जा सकता है h प्लस r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू k प्लस r sin थीटा। तो कई बार आपको कोऑर्डिनेट्स ऐसे दे सकते हैं या जो भी दे सकते हैं, ये आपका सेंट्रल फॉर्म लिखा है, यानी कि आप समझो ये सेंट्रल फॉर्म लिखा है आपका, लेकिन दूसरे तरीके से लिखा है। सेंट्रल फॉर्म कैसे, तो यहाँ पहचानेंगे ऐसे, तो आप पता करो ये लोग देखो सेंटर के लोग हैं, ठीक है? यानी कि अगर ऐसे कभी कोई आपको दे तो समझ जाना ये सेंटर कौन है, यहाँ पर एच के, रेडियस यहाँ होती है, देखो सेम रेडियस ये, तो रेडियस इज इक्वल टू आर, क्लियर है? जैसे मैं आपको बोलूं अगर जनरल फॉर्म का लिख के दिखाओ, तो जैसे जनरल फॉर्म आपका क्या है, तीसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, है ना? तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसका सेंटर आपको पता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ ना, तो अगर इसका और आर इसका क्या है, रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो अगर आप इसको भी आप पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना चाहो या कोई आपके सामने लिख दे, तो इसका x लिखा जाएगा, x इज इक्वल टू सेंटर लिखा जाता है यहाँ पर माइनस जी प्लस आर कॉस थीटा, ठीक है? y इज इक्वल टू माइनस के माइनस एफ प्लस आर साइन थीटा, आपको बात समझ में आ रही होगी, कहानी क्लियर? तो यहां पर जो भी चीज लिखी होती है, यानी कि वो सेंटर के कॉर्डिनेट होते हैं इसमें, और आर कॉस थीटा साइन थीटा के साथ एक ही आदमी होता है, वो क्या होती है, रेडियस, क्या आपको बात समझ में आई? तो ये पूरा बोला जाता है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर। तो पैरामेट्रिक बहुत जरूरी चीज है, इसीलिए मैंने पैरामेट्रिक से शुरुआत किया, क्योंकि अब आने वाले टाइम में आपको कोऑर्डिनेट्स मानने पड़ेंगे अपने आप। तो जब भी अपने आप किसी भी कर्व पर कोऑर्डिनेट मानने होते हैं, तो हम पैरामेट्रिक में प्रेफर करते हैं कि पैरामेट्रिक उसके कोऑर्डिनेट डालें। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर एक्स और वाई देखो दो वेरिएबल है, पैरामेट्रिक एक होता है जो दोनों को कनेक्ट करता है, ठीक है? तो यानी कि हम दो वेरिएबल से बच जाते हैं और एक वेरिएबल पे आ जाते हैं, जैसे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो ये जो लिखा है ये एक सर्कल है, अब यहां देखो जीरो जीरो था, तो इसलिए ओरिजिन है वहां पर, है ही नहीं उसके साथ, तो जीरो जीरो रहा, ठीक है? सेंटर जीरो जीरो, रेडियस आर। तो छोटी सी बात है कि आपको समझ में आई है सबको पीछे तक, तो जितने भी सर्कल हैं सबका पैरामेट्रिक फॉर्म आपको आना चाहिए। और बहुत साधारण बात है, यहां पर जो लोग बैठते हैं वो सेंटर देते हैं आपको एच के, और रेडियस वहां मिलती है, और सर्कल के लिए दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, एक सेंटर और रेडियस, एक सेंटर और एक रेडियस। तो यानी कि मैं अगर कोई दे, अब देखो दो बातें, अगर मैं सर्कल इस तरह से दूं तो आप पैरामेट्रिक में लिख सकते हो उसके कोऑर्डिनेट ले सकते हो, अगर मैं पैरामेट्रिक में दूं तो यहां से वहां जा सकते हो। यहां से वहां कैसे जाओगे, एक्स माइनस एच इधर, ये इस वहां से जाने के लिए ये हमेशा लगता है, आया एक्स माइनस एच बाई आर लिखोगे, देखो cos थीटा क्या हो जाएगा, x माइनस h बाई आर, और cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, समझ में आया? बस cos थीटा sin थीटा को एलिमिनेट करना, cos थीटा sin थीटा को एलिमिनेट करने के लिए हमेशा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1। चले तो चलिए एक छोटा से छोटे छोटे सवाल हैं, या चलो मैं डायरेक्ट एक सही क्वेश्चन पे आ जाते हैं, चलिए क्वेश्चन पूछूं, अगली स्लाइड क्वेश्चन यहां लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन लिखा है फाइंड सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इफ ए इज इक्वल टू 2 प्लस कॉस पाई बाई 3 कॉमा 3 प्लस साइन पाई बाई 3 कॉमा बी 2 प्लस कॉस पाई कॉमा 3 प्लस साइन पाई एंड सी 2 प्लस कॉस 4 पाई बाई 3 3 प्लस साइन 4 पाई बाई 3 क्वेश्चन मार्क। ये कह रहे हैं अगर आपके कोऑर्डिनेट इस तरह से हैं तो आप सर्कम सेंटर बताइए। अब यहां पर आप देखें तो इन कोऑर्डिनेट्स पर अगर नजर डालें तो ये कोऑर्डिनेट्स आपको फील दे रहे हैं कि जैसे हमने पीछे कोऑर्डिनेट लिखे बिल्कुल वैसे लिखे हैं, और सब में एक खास बात है कि 2 3 2 3 और 2 3 दोनों में सब में सेम है, यानी कि ये ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट
टू थ्री थोड़ी है, कोऑर्डिनेट तो दिए ही है के लिए, टू थ्री जो है सर्कम सर्कल यानी कि एक सर्कल रहा होगा, ये सर्कल पर पॉइंट है नहीं आया, और सर्कल का पॉइंट टू कॉमा थ्री रहा होगा, समझना। रेडियस कितनी, वन, रेडियस वन होगी। अब तुम बात समझो कि ये सर अलग अलग कैसे लिखे गए, ये ऐसे लिखा गया है कि हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल पाई बाय थ्री रहा होगा, यानी कि ये पॉइंट यहां पर होगा पाई बाय थ्री एंगल पर, तुम समझ रहे हो। तुम खुद सोचो अगर रेडियस वन है, पाई बाय थ्री एंगल घुमाते जाएंगे पॉइंट बदलता जाएगा, तो ये यही होता है कि पैरामेट्रिक आपकी मदद करता है, इज इट क्लियर। तो ये पाई बाय थ्री पर बैठा है, ये कहां बैठा होगा, कितने एंगल पर, पाई एंगल पर, तो यहां पर ये पॉइंट बैठा होगा कौन सा, बी, ये ए यहां होगा, यहां बी होगा, तुम्हें समझ में आ रहा है। सी कहां है, फोर पाई बाय थ्री, फोर पाई बाय थ्री पाई से बड़ा होता है, पाई से बड़ा होता है तो इधर कहीं लगभग ट्रायंगल जो भी बनाए, जाने दो, फिलहाल आपको बदल गया सेंटर ये है। आप बताओ सर्कम सेंटर ही तो सेंटर होता है, सर्कम सर्कल का सेंटर यही तो सर्कम सेंटर है, तो बस आंसर यही है। तो आप लिख सकते हो सर्कम सर्कल का सेंटर ही सर्कम सेंटर है, दैट इज 2.3। बात समझ में आई, पीछे बात क्लियर। नोट करके एक बात लिख लो, एक बात बोल देता हूं, नोट करके लिखिए एक बात, ये हमेशा आपको याद रखनी है, और इवन सभी बाकी सभी कर्व के लिए भी याद रखनी है। लिखिए यहां पर थीटा कौन है, पैरामेट्रिक वेरिएबल है। चलिए तो लिख लो इसमें, सो वेन एवर, मैं बोल दूं, सो वेन एवर वी नीड टू टेक एनी पॉइंट ऑन सर्कल, वी राइट पैरामेट्रिक पॉइंट, तो हम पैरामेट्रिक पॉइंट ही लिखते हैं। एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, मान लो चार लिखा है, और इसके सर्कल पर कोई पॉइंट आपको लेना पड़ेगा, तो आप क्या पॉइंट लोगे, जल्दी बोल के दिखाएं सब लोग, क्या पॉइंट लेंगे आप। मैंने लिखा है अब से सर्कल पर हमें कोई पॉइंट अपने तरफ से मानना पड़ेगा, और हमें जरूरत पड़ी कुछ कैलकुलेशन के लिए, तो हम पैरामेट्रिक में लेंगे, तो इसका लिख के दिखाओ कैसे लिखा जाएगा, टू कॉस थीटा टू साइन थीटा, बिल्कुल टू कॉस थीटा टू साइन थीटा, और सेंट्रल के लिए भी याद है ना, सेंटर यहां पर बस लगा देना, तो जुड़ जाता है। आप इसको ऐसे भी समझते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला जो आप पैरामेट्रिक में करते थे ना, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, उसके उससे भी ये दिखता है बहुत आसानी से। चलें, चलिए तो ये बात अगर हो गई तो अब हम कुछ बात करेंगे, देखते हैं पीछे क्या लिया था। चलो पहले छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, फिर एक अच्छी बात सिखाता हूँ, टाइम है, शुरू करें। तो हमारा कल के दिन हो गया था पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक, टेंजेंट टी इज इक्वल टू जीरो जबकि पॉइंट ऑन द कर्व हो तब हम यूज कर देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन, यानी कि पॉइंट आउटसाइड है, बाहर के पॉइंट से दो इक्वेशन डाल रहे हैं टेंजेंट की, तो उनका कंबाइंड इक्वेशन, जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा तो वैसे कंबाइंड इक्वेशन, तो लिखिए आप आगे चलें, तो अब लिखेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट, है ना, तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट इज कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट P x1 y1, ठीक है, लिखते रहो साथ साथ, कैसा कुछ समझने वाला नहीं है, बहुत आसान ही बातें। तो एक सर्कल रहा होगा, इसका मतलब एक सर्कल है हमारे पास, और इस पर हम हमें पॉइंट दिया है बाहर आउटसाइड, आउटसाइड मतलब यहां पर कोई पॉइंट है हमारे पास P x1 y1, और हमें यहां से टेंजेंट डालनी है,
तो वैसे तो सिंगल सिंगल टेंजेंट की बात करें तो हमारे लिए फॉर्मूला है y इक्वल टू mx प्लस r रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, लेकिन दोनों को एक साथ अगर देने की बात हो तो भी हम लिख सकते हैं। तो उसके लिए काम क्या करते हैं, यानी कि ये एक टेंजेंट है, इनका कंबाइंड इक्वेशन मैंने लिखा इसीलिए, ठीक है, यानी कि इन दोनों टेंजेंट का कंबाइंड इक्वेशन, और उसके अंदर है ना जो भी, उसके लिए फिर कैलकुलेशन आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में करते हो, थीटा निकालना, स्लोप निकालना वगैरह जो भी। तो इस कंबाइंड इक्वेशन को हम दे सकते हैं सेंटर, जो भी आप सर्कल एक मान लेते हो, तो एक सर्कल मान लूं मैं जनरल छोटा वाला मान लें सेंटर जीरो जीरो वाला, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मैं एस लिख रहा हूं तो माइनस आर स्क्वायर लिखो, ऐसे एस लिखने का मतलब होता है सब कुछ इधर लाना, ठीक है, फिर आपको क्या करना है इसमें एस वन रखना है, मतलब वो पॉइंट सेटिस्फाई करवाना है, तो क्या लिखोगे प्लस माइनस आर स्क्वायर, देखो कोई भी सर्कल तो मैं ले रहा हूं, फिर आप एक टी भी लिखोगे यहां पर एक पूरा ही फॉर्मूला बनेगा, टी टी कैसे लिखते थे, टी इज इक्वल टू जीरो, टी कैसे लिखा जाएगा इसका सर्कल के लिए, ये पॉइंट और सर्कल एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे किससे, एक्स एक्स वन बोलते नहीं हो, प्लस वाई स्क्वायर को, और माइनस आर स्क्वायर ऐसे रहेगा। तो अब ये तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, तो इस पूरे कंबाइंड इक्वेशन की को हम दे सकते हैं एक ही फॉर्मूले से, एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है, ये आपका कंबाइंड इक्वेशन है एक तरीके से, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट, ठीक है। तो लिखते लिखेंगे यहाँ पर एस भर दो एज इट इज, एस आपका यहाँ पर लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एस वन का मतलब है पॉइंट को सेटिस्फाई किया, माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी का स्क्वायर बोले तो एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस आर स्क्वायर, इज इट क्लियर, लिख दो। तो ये जो आपका इक्वेशन बन रहा है ये, ठीक है, ये भाई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देता है टेंजेंट का एक साथ, तो कभी मान लो आपको जरूरत पड़े तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये लगभग बहुत सारे सभी कर्व के लिए ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है, एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये आपको लगातार कॉनिक सेक्शन में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखेंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, और भी चीजें मैं मेंशन कर देता हूं, जहां पर ये टेंजेंट आपको मिलती है, ठीक है, इन पॉइंट को क्या बोलते हैं आपको पता होगा, बोलो इन पॉइंट को पीछे लिखा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस पॉइंट को, हम नाम देते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, पीओसी, या फिर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या टेंजेंसी पॉइंट, जो भी बोलते हैं ना, तो ये वो पॉइंट है, ठीक है। और अगर सुनना, बाहर के पॉइंट से जब तुमने टेंजेंट डाली, अब यहीं पर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी की भाई बात खत्म कर देंगे, पहले लिख लीजिए आप इसे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पर आते हैं। अब बात सुनो, देखिए बाहर कोई पॉइंट है, अगर आपने टेंजेंट डाली तो जहां सर्कल वो टच करेगा दैट इज उसका नाम है पॉइंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, या फिर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बोल सकते हो, टच कर रहे हैं ना, ठीक है। अच्छा, अगर उन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जोड़कर एक कॉर्ड भी बनाई जा सकती है, तो ये कॉर्ड है, नहीं आया तो जैसे मैंने लाइन खींची तो ये कॉर्ड है, इसी को लोगों ने नाम दिया एक नई कॉर्ड कि पॉइंट ऑफ, बाहर के पॉइंट की वजह से टेंजेंसी पॉइंट बने, अगर बाहर पॉइंट नहीं होता टेंजेंट नहीं डालते टेंजेंसी पॉइंट नहीं मिलते, तो इन टेंजेंसी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड को ही पॉइंट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं, इसीलिए कॉन्टैक्ट वर्ड आ रहा है ना उसमें, इसमें भी कॉन्टैक्ट आ रहा था, तो इसको हम बोलते हैं नाम, नया नाम देते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। और ये भी बहुत बढ़िया चीज है क्योंकि इसके भी सवाल मिलेंगे आपको, तो आओ आगे हम पढ़ते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, लिखो आगे, ये हो गया। नेक्स्ट लिखिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, सब लोग हेडिंग देते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, और इसके बारे में पहले लिख लें थोड़ी बात, लिख लें, पहली बातें मैं क्लियर कर देता हूं ये किसकी वजह से बन रही है, पहले तो बात, तो कॉर्ड है लेकिन बन किसकी वजह से रही है, बन रही है बाहर के पॉइंट की वजह से, अगर वो पॉइंट नहीं होता तो ये बनती नहीं आया, तो यहां पर लिख सकते हैं एक एक बात हम आराम से इसके बारे में लिखें क्योंकि ये भी बहुत बढ़िया चीज है। लिखिए फॉर्म्ड बाय आउटसाइड पॉइंट पॉइंट पी एक्स वन वाई वन टू सर्कल बाय जॉइनिंग पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ बाय जॉइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स ऑफ टेंजेंट्स। तुम्हें कुछ समझ में आया इंग्लिश में कि भाई बाहर के पॉइंट की वजह से अगर आप टच करवा रहे हो तो कहीं ना कहीं टच करेंगे जाके,
तो उनको अगर हम जोड़ दें पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में, यानी कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इज कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, है ना। दूसरे शब्दों में पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को पॉइंट टेंजेंसी बोल सकते हैं। इधर लिख देते हैं, इट इज ए कॉर्ड, कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। जैसा कि मैंने पहले ही फोटो में बताया कि आपको वो चीज ध्यान रखनी है, टेंजेंसी, यानी कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को जोड़कर, और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी वो बाहर की पॉइंट की वजह से आ रही है। तो इसका इक्वेशन बहुत ही आसान है, आओ चलते हैं कैसे इक्वेशन लिखा जाता है। ठीक है, फिर एक सर्कल बना लेते हैं हम। ठीक है, और इस पर एक पॉइंट ले लेते हैं बाहर, पी एक्स वन वाई वन। तो पूरी कहानी समझने का प्रयास करना, अगर यानी कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की का पॉइंट हमेशा कहाँ होता है, बाहर। ये इसका रीजन जिसकी वजह से बन रहा है वो बाहर पॉइंट होगा। ठीक है, तो हम डाल लेते हैं टेंजेंट्स, ये लो टेंजेंट्स पड़ गई, पड़ गई। अब इन टेंजेंट्स के ये आए पॉइंट ऑफ टेंजेंसीज जहां इन्होंने टच किया। ठीक है, और अगर इनको हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये इक्वेशन कहलाती है सीओसी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। बात समझ में आई, बने किसकी वजह से, बाहर पॉइंट की वजह से। इक्वेशन कैसे देंगे, इक्वेशन बता देता हूं कैसे देंगे। इक्वेशन तरीका वही है, टी इज इक्वल टू जीरो, नहीं आया, टी इज इक्वल टू जीरो को जानते हो तुम, टी इज इक्वल टू जीरो मतलब वही सेम रिप्लेसमेंट, और यानी कि टी इज इक्वल टू जीरो वहां टेंजेंट दे रही थी, आज कॉर्ड दे रही है, तो टी इज इक्वल टू जीरो बहुत काम की चीज है, आगे समझेंगे अभी। तो टी इज इक्वल टू जीरो यानी कि मैं सर्कल ले लेता हूं, मान लो सर्कल आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर वाला है, एंड पॉइंट है पॉइंट पी, मान ली जो कि पीछे दिया है एक्स वन वाई वन आउटसाइड सर्कल, मैं लिख रहा हूं पूरा आउटसाइड सर्कल, तो आपकी सीओसी क्या बनेगी, देन सीओसी, देन सीओसी का इक्वेशन आएगा इससे एक्स एक्स वन क्या लिखा जाएगा प्लस वाई वाई वन माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इट विल बी स्ट्रेट लाइन, होगा कि नहीं स्ट्रेट लाइन, देखो स्ट्रेट लाइन, तो आपकी कॉर्ड आ गई, बहुत सिंपल है, बात क्लियर है, लिख डालो बना डालो जल्दी से। अब इसका अपोजिट भी पूछ सकते सेम, कि मैं आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट दूं और बोलूं वो पॉइंट बताओ जिसकी वजह से बनी है, सही है ना। तो अब हमारे लिए थोड़ी कंफ्यूजन हो गई कि t इज इक्वल टू जीरो वहां पर भी था टेंजेंट में, कल भी हमने पढ़ा और आज भी पढ़ा कॉर्ड के लिए, तो कब कॉर्ड हो रहा है कब टेंजेंट हो रहा है तुम फर्क कर पा रहे हो। ठीक है, चलिए तो इस पर बात कर लेते हैं नोट करके, आगे बढ़ूं मैं। चलिए तो नोट करके एक बात लिखो, कहानी कुछ इस प्रकार है कि जो t इज इक्वल टू जीरो आप लिख रहे हो ये बेसिकली तीन काम करता है, मैंने तो दो ही लिखवाए, तीसरा फिलहाल सिलेबस में नहीं है अब, ठीक है पहले होता था। तो तीन काम करता है, पहला t इज इक्वल टू जीरो टेंजेंट देता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, लेकिन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कब देता है, व्हेन पॉइंट p x1 y1 कहां हो, ऑन द सर्कल हो। यही काम एज ए कॉर्ड करेगा, यानी कि यही इक्वेशन कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनाएगा जब आपका पॉइंट आउटसाइड होगा, पोजीशन पर निर्भर कर रहा है सब कुछ। देखो आउटसाइड सर्कल लिख लीजिए ये बात, और यही पॉइंट अगर अंदर रहे तो पोलार की इक्वेशन देता है, इक्वेशन ऑफ पोलार, वो सिलेबस से हटा दिया जाए, इक्वेशन ऑफ पोलार व्हेन पॉइंट इनसाइड, बातें नहीं। तो तीन काम करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है ये, बेसिकली पॉइंट की पोजीशन डिसाइड करो, हमें दो चीजें फ्री में देता है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट और टेंजेंट, जल्दी निकलता है। चलिए एक छोटा सा सवाल पूछ लूं, पूछ लें, ले सकते हैं कोई सर्कल ले लो, एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 ले लें, और एक मुझे पॉइंट ऐसा चाहिए कि आउटसाइड आ जाए, दैट मींस ऐसा पॉइंट मतलब ज्यादा है, एस वन ग्रेटर देन जीरो ना। तो फॉर सर्कल इफ पॉइंट पी
8.3 फाइंड सीओसी। मैं बस जो करवा के देखना चाहता हूँ वो बस तुम्हें सीखना है, एक सीधा और एक उल्टा बस, ठीक है? दो काम करे जा सकते हैं, हमेशा चीजें ऐसी ही सीखनी चाहिए। चले आगे, चलिए। तो आप पहले क्या करोगे, मैंने पहले ही बोला आप पोजीशन चेक करोगे, तो आप एस लिखेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25, और इसमें पॉइंट को रख के देखेंगे, 64 प्लस माइनस 25 क्या ग्रेटर आ रहा है, यानी कि पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड में, तो आउटसाइड में है तो आज टेंजेंट बनेगी या सीओसी बनेगी, तो अब सीओसी बनेगी, ठीक है? तो सीओसी का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, एक्स एक्स वन, तो एक्स एक्स वन बोले तो 8x हो गया क्या, प्लस वाई वाई वन 3y, और माइनस 25 इधर ले लें, तो लो ये एक लाइन में आपका सीओसी आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर? अब उल्टा आप करके देख लो, उल्टा क्या करके देखो, मैं अब ये दो चीजें दूंगा, पॉइंट नहीं दूंगा, तो दोनों काम आपको आने चाहिए, क्योंकि गणित में बार बार आपके आ जाएंगे, कई बार वो पॉइंट देकर पॉइंट से एक सीओसी निकलवाएंगे या सीओसी से वो पॉइंट निकलवाएंगे, तो आपस में निर्भर है। तो टी इक्वल टू जीरो के दोनों काम आप सीख गए, पहले कल भी किया था मैंने कि अगर पॉइंट दें ऑन द कर्व हो तो टेंजेंट निकाल लेते हैं, अगर टेंजेंट दें टच करके जाते हैं वो पॉइंट भी ले आते हैं हम, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है? ये आइडेंटिकल मेथड से हम ले आते हैं, बहुत सारे सवाल पहले ऐसे पूछे जाते थे ट्रिपल ई वगैरह में, तो हम करेंगे एक साथ, ठीक है? देन फाइंड पॉइंट पी, आप इसको उल्टा कर लो, अगेन मैं क्वेश्चन बदल देता हूँ, इफ मैं बोल देता हूँ इफ सीओसी एट एक्स प्लस सीओसी समझ रहे हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट माइनस 25 इज इक्वल टू जीरो टू सर्कल, सर्कल भी वही लिख लो 25, फाइंड पॉइंट पी, मतलब समझ गए, अगर ये पी चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट की वजह से टेंजेंट लिख लेंगे एंड देन बोलेंगे आइडेंटिकल है। आगे बढ़ते हैं, तो पेयर ऑफ टेंजेंट हो गया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की बात हो गई, ये समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? सर पहली चीज सर्कल दें पॉइंट दें आउटसाइड है तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ये आ गई, अगर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट दे दें कि ये इस सर्कल की कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है तो आप वो पॉइंट भी ला सकते हो बाहर वाला, समझ में आ रहा है? कैसे लाओगे, इसके लिए लिख दो, इसके लिए क्या लिखोगे आप, इसके लिए लिख दो, ये क्या आएगा एक्स एक्स वन, यहां लिख रहा हूं एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस 25 इधर ले लें, और ये टेन ये सीओसी पहले से दी थी, और आपने जो ऊपर लिखा वो भी तो सीओसी है ना, क्योंकि सीओसी है पहले ही बोल रहा है वो, तो इन दोनों को क्या करोगे, बोलोगे आइडेंटिकल हो जाओ दोनों, क्योंकि तुम दोनों एक ही हो, और जिस दिन इनको आइडेंटिकल कराओगे तो आइडेंटिकल का मतलब ये होता है, मैं इधर बता देता हूँ, ये देखो आइडेंटिकल का मतलब होता है उनके x के कोफिशिएंट a1 by a2 है ना, x1 by 8 y1 by 3 is equal to minus 25 बटा minus 25, 1 हो गया तो x1 आया 8 आपका y1 3 आया, आपको दोनों काम करने आने चाहिए, ये पॉइंट दिया तो सीओसी आ गया, सीओसी दिया तो पॉइंट आ गया, इज इट क्लियर? अब सब लोग लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट, आज के लेक्चर की ये चौथी पांचवी बात होगी और इंपॉर्टेंट बात है, आइए समझते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि एक ठीक है, इसमें पूरी कहानी समझो कि एक सर्कल है बाहर एक पॉइंट दिया है तो उसकी वजह से क्या क्या सवाल बन सकते हैं, ठीक है? तो हम भी एक काम करते हैं, एक सर्कल लेते हैं, ठीक है? फोटो समझने का प्रयास करना, तो अगर अब मैं टेंजेंट डालूं तो टेंजेंट कुछ इस प्रकार से जाएंगी, ठीक है? ये टेंजेंट यहां टच कर रही है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है वहां पर, और ये रही आपकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, सीओसी। अब इनकी कहानी ये है, ये सर्कल जो दिया होगा, ये सर्कल दिया होगा ना उसने, तो उसका सेंटर भी पता हो रहेगा सी। अच्छा, ये जहां टच कर रहा है इनको कुछ नाम दे देता हूं मैं, ए बी नाम दे दूं या पी क्यू भी दे सकते हैं, ए बी दिया, इस पॉइंट को पी तो दिया ही नाम, तो ये रहा पॉइंट पी एक्स वन वाई वन, इसकी वजह से हमने पहले टेंजेंसी डाली और सीओसी आ गया है ना। अब एक काम करते हैं, सेंटर को भी हम अगर ज्वाइन करें तो
तो इस प्रकार से एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है, ठीक है। और मैं एक काम करता हूँ, ये भी ज्वाइन कर देता हूँ, बाहर के पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दिया। तो इसमें बहुत सारी चीजें आपसे पूछ सकते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट, पहली चीज पूछेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है वो समझने जाएं तो P से लेकर जहां तक ये टच किया, यानी कि PA जो है, या फिर आप PB बोलो, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है, सी है कि नहीं। आप पहले जब डायग्राम बनाते होंगे तो आप देखते होंगे PA इज इक्वल टू PB, आपकी लेंथ ऑफ टेंजेंट है, मतलब यहां से यहां तक की ये लेंथ, इसको हम कैपिटल L से दिखाया करेंगे, ठीक है, क्लियर। ये रेडियस R ही है आपकी, ठीक है, रेडियस है, सर्कल दिया होगा R, तो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो इसको ये कह रहे हैं क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम आउटसाइड। तो इसके बारे में कुछ बातें करेंगे, तो आप डायग्राम बनाओ पहले फटाफट। तो हम इसके बारे में सवाल देखेंगे क्या क्या है। ये सीओसी हो गई, फटाफट डायग्राम बनाएं। सवाल क्या क्या पूछेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया, दूसरा एंगल बिटवीन, मैं सवाल सारे लिख देता हूं क्या क्या पूछे जा सकते हैं, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, तीसरा लेंथ ऑफ सीओसी, लेंथ ऑफ सीओसी एंड इक्वेशन ऑफ सीओसी, यानी कि बाहर पॉइंट देकर बहुत सारे सवाल बनते हैं। चौथा सवाल, आपसे सर्कल की इक्वेशन पूछ सकते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कमस्क्राइबिंग सी पी ए बी और ट्रायंगल ए बी पी। पांचवा क्वेश्चन लिख ले, क्वेश्चन सब सीक्वेंस में लिखें, ये सब बताने पड़ेंगे। पांचवा, बहुत सारी चीजें हैं फिर तो, चलो इतना ही निकालते हैं बाकी चीजें, चलो पांचवा लिख लो। फिर आपसे एरिया पूछ सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीपी, एंड क्वाड्रिलेटरल सीपीएबी, सीपीएपी। तो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स भी पूछा जा सकता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कल के पूछा जा सकता है, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट चाहिए हमें, ये सब इतनी बातें बहुत सारी चाहिए, ठीक है। तो पांच छह बातें हो गई अपने पास, ये सब हमें इसी डायग्राम से मिलेगा, तो बस चलने की जरूरत है। चलें, फोटो बना लो और ये पांच बातें लिखो पहले। क्यों पहले लिखा है, क्योंकि ये एक इतनी चीज, सर्कल और एक पॉइंट देकर इतने सवाल बनाए जा सकते हैं, तुम ये बात समझो, ठीक है। तो अलग अलग वैरायटी एक जगह कराने का मतलब है, एक ही जगह में आपको पूरे सारी चीजें करा देते हैं। अब इसमें से कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। चलिए तो कुछ सुधार कर लेता हूं, मैं मान लेता हूं एंगल बिटवीन टेंजेंट्स यहां पर कितना है, टू थीटा, तो आधा एंगल में थीटा मान लेता हूं, ठीक है, ये थीटा और ये भी थीटा होगा। कुछ चीजें अपनी तरह से माननी पड़ेंगी, ये आर है आपको पता ही है, लेंथ के बारे में थोड़ा सोचेंगे हम, लेंथ कैसे निकालें, कैसे निकाल सकते हैं लेंथ, पहले लेंथ चाहिए है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या, हाँ हाँ बिल्कुल, फॉर्मूला आता है, लेकिन मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, डायरेक्ट लिख दूं चलेगा, किसी भी सर्कल की लेंथ डायरेक्ट, वैसे अभी थोड़ी देर बाद अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है रूट एस वन, रूट एस वन समझ रहे हो, सर्कल एस अगर आपका ले लो भाई, एस आपका क्या है सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी। इनका कहने वाले मतलब है, अगर आप कोई पॉइंट पी बाहर है और उसकी वजह से आप टेंजेंट डालो, तो उसकी लेंथ के लिए डायरेक्ट उसमें एस वन पॉइंट डालो और रूट ले लो, वो हो जाता है। कई लोग सोचेंगे ये कैसे आ गया, तो अगर जानना है तो बताओ अगली स्क्रीन पे चलें, चलें जानोगे कैसे आया है, आया कैसा है, पाइथागोरस से आया है। देखिए एक सर्कल बना लो, आप इधर देखें, और एक पॉइंट बाहर था, कोई बाहर पॉइंट पी एक्स वन वाई वन है, आपने यहां से क्या डाला, तो मैं सर्कल मैंने मान लिया अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, हमेशा आसान वाले से ही हम सब चीजें करते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन बचने के लिए।
तो ये 0 0 हो गया, और सबको पता है यहाँ से ऐसा परपेंडिकुलर ये कुछ आर है क्या, और आपको शायद यही एल चाहिए, ये एल चाहिए ना, ठीक है। तो आप पाइथागोरस लगा के क्या ला सकते हो, इन दोनों के बीच डिस्टेंस भी मिल जाएगी, आर भी पता है, एल निकालना है, तो एल विल बी इक्वल टू, अच्छा हाइपोटेन्यूस कौन है इसमें, ये हाइपोटेन्यूस है, समझ में आया, तो एल विल बी इक्वल टू, ये डी बोल दूं इनके बीच की डिस्टेंस, बातें नहीं, तो डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट होगा क्या, तो एक मिनट डी स्क्वायर बस लिख के दिखाओ मुझे, डी स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, स्क्वायर है तो एक्स वन स्क्वायर हो जाएगा, वाई माइनस जीरो वाई वन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्या ये एस वन नहीं लिखा है, नहीं आया, एस वन ही तो लिखा है इस सर्कल के लिए, एस वन ही तो हुआ, अगर इसका ये एस अगर आप लेते यहां से, तो एक्स कैसे लिखते, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिखते, पॉइंट आउटसाइड की वजह से एस वन कैसे लिखते, यही लिखते, तो समझ में आया आपको, तो ये हर किसी सर्कल के लिए होगा, यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट एलिजिबल टू रूट एस वन हो जाता है, ठीक है। आइए अब चलते हैं आगे, अच्छा इसी में बात कर लेते हैं, मैंने पीछे थीटा लिया, इस डायग्राम को अगर निकाला है तो इधर निकले, मैंने यही थीटा लिया है पीछे, पीछे देख लो फोटो में, मैंने पूरा एंगल 2 थीटा लिया है, आधा एंगल थीटा ले लिया है, ठीक है। तो अगर मैं ये मिल जाए थीटा, तो पूरा एंगल भी मिल जाएगा, तो यहां से टेन थीटा निकाल कर दूसरा काम भी कर सकते हो आप, तो पहला काम तो हो गया आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट इज रूट एस वन, एंड दूसरा आप थीटा पर अगर वर्क करेंगे तो टेन थीटा मुझे लिख के दिखाइए बस, इस ट्राइंगल में टेन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन एल हो जाएगा, यानी कि एल तो रूट एस वन हो चुका है, तो क्या हो रहा है आर बाई रूट एस वन, बिल्कुल बहुत काम की बात है, तो टेन थीटा क्या हो गया आर बाई रूट एस वन, ये एक बढ़िया फॉर्मूला है। अभी एक चीज दिखाता हूं यहां से, ठीक है, तुम लोगों ने एक सर्कल पढ़ा था कल के दिन, कौन सा सर्कल पढ़ा था, हाँ छोटी छोटी चीजें यहां पर भी करते चलेंगे, अब डायरेक्टर सर्कल पढ़ा था अलग से, डायरेक्टर सर्कल एक ऐसा सर्कल था जिसके लिए ये वो पूरा एंगल 90 डिग्री था, मतलब लोकस बाहर के पॉइंट से अगर टेंजेंट डाल रहे हैं तो लोकस ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट से डायरेक्टर सर्कल, यानी कि आधा एंगल है ना ये 45 डिग्री होगा, तो मैं एक मिनट डायरेक्ट, यानी कि डायरेक्टर सर्कल के लिए यहाँ पर जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके लिए थीटा कितना होता है पाई बाय 4, या बात लिख लें, ठीक है, आप एक बार रख दें इसमें पाई बाय 4 रख के देखें, पाई बाय 4 अगर हमने रखा तो टेन पाई बाय 4 हो जाएगा 1, और आर बाय रूट एस वन, बोलने का मतलब है आर इज इक्वल टू रूट एस वन हो गया, ये डायरेक्टर सर्कल से जुड़े हुए हैं सब कहानियां। अब आर रूट एस वन तुम लिखो, सब कुछ अपने आप आ जाएगा, तो आर स्क्वायर रूट एस वन कैसे लिख रहे थे, एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर, ये लोकस होगा ना इस पॉइंट का, तो एक्स वन वाई वन बेसिकली आज लोकस देगा, वो पॉइंट नहीं है, एच के समझ सकते हो उसको, और माइनस आर स्क्वायर, और देखो जोड़ के इधर ले आओ, सर बन रहा है कि नहीं बन रहा है डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर सर्कल में कल 2r² हो गया था, बोलो तो आज x1 y1 जो है यहां पर लोकस किसका है, डायरेक्टर सर्कल, लोकस ऑफ DC, बात समझ में आई, तो छोटी छोटी और भी बातें आ जाती है, क्योंकि अगर आप एंगल ले आएंगे तो और इससे भी चल सकते हो, यानी कि एंगल का फॉर्मूला आज आपको एक नया फॉर्मूला मिला, tan थीटा r बाय रूट एस वन, कल को मैं बोलूं ऐसे पॉइंट का लोकस दो बाहर के पॉइंट से जो कि जिसकी टेंजेंट 60 डिग्री बना रही है, तो थीटा कितना हो गया आपका 30, आधा कर देते हैं, आया डायग्राम के हिसाब से समझो, ठीक है कहानी क्लियर, देखो पीछे आओ, तो आपने दो चीजें निकालनी, इधर देखें तो L इज इक्वल टू रूट एस वन, लेंथ ऑफ टेंजेंट यहां लिख देते हैं, L इज इक्वल टू रूट एस वन मिल गया, कोई भी सर्कल हो बार पॉइंट हो हम लेंथ ऑफ टेंजेंट ले आते हैं फॉर्मूले से, tan थीटा एंगल भी मिल गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है R बाय रूट एस वन, याद रखोगे। चलिए लेंथ ऑफ सीओसी, लेंथ ऑफ सीओसी पर बात करेंगे अब, लेंथ ऑफ सीओसी समझ रहे हो, ये लेंथ, अब ये सीओसी की लेंथ, भाई यहां से यहां तक कितनी लेंथ है ये, अब कैसे सोचें, अब तुम बताओ, लेंथ ऑफ सीओसी कुछ ना कुछ हमें तोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो ये ऐसे समझो, पहले ऐसे है तो आप ऐसे ऐसे तोड़ना जानते हो ना, कोई वेक्टर ऐसे होता है या फोर्स ऐसे लगता है तो हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर से आता है तुमको, तो आप वैसे ही समझो ये इधर लग रहा है, तो क्या आप इसका इधर की तरफ प्रोजेक्शन तोड़ सकते हैं और इधर की तरफ, तो एक काम करते हैं इधर ही रहो मेरे साथ, डायग्राम में थोड़ा सा चेंज करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं, ये अगर एल इज इक्वल टू रूट एस वन रहा है थीटा एंगल पर, ये एक्स एक्सिस है ना हमारे लिए, जीरो जीरो रहा है, मैंने मान लिया था वही सर्कल अपना आसान वाला, अगर मान लो तो हाँ बिल्कुल, तो इधर जो आएगी हाइट इतनी आएगी ना, बिल्कुल इतना ही रहेगा, उससे मैच करते कोई बोलता है दूर तो नहीं जाएगा ना, तो बिल्कुल आप इसका एक कंपोनेंट इधर देखें, और इसका एक कंपोनेंट कहां तक आएगा, यहां तक आएगा क्या, मैं सोच रहा हूं कहां तक आएगा, वो जरूरी है, लगभग ये इतना ना, आप ऐसे समझिए,
ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, दो कंपोनेंट में इस चीज को ब्रेक कर रहा हूं मैं, ये रहा, यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट के दो टुकड़े कर रहा हूं, एक हॉरिजॉन्टल वाला और एक, दिख रहा है सबको? तो ये टुकड़ा बताओ कितना होगा, इधर थीटा है तो उधर साइन होगा, यानी कि मैं ऐसे लिखूं इसको, हाँ एल साइन थीटा, और ये टुकड़ा एल, ये लेंथ होगी क्या? लेंथ ही तो होगी, है कि नहीं? यानी कि यहां से यहां तक एल कॉस थीटा ये लेंथ है। थोड़ा डायग्राम छोटा पड़ेगा, बहुत चीजें आएंगी इसमें, तो आप बताओ फिर एक मिनट, ये एल कॉस थीटा हो गया, यानी कि एल साइन थीटा, क्या ये भी लेंथ एल साइन थीटा होगी और नीचे भी फिर एल साइन थीटा होगी? नहीं आया, तो पूरी टोटल सीओसी की लेंथ ए बी क्या हो जाएगी? ए बी इज इक्वल टू, यहां पर लिखूं जगह कम है, टू एल साइन थीटा, और एल कौन है? तो टू रूट एस वन साइन थीटा। थीटा वगैरह कहां से मिलेगा तुम्हें पता है, पीछे सब देखो धीरे धीरे काम चल रहा है, थीटा मिल गया पहले ही। इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग ये और एरिया ऑफ ट्राइंगल बचा है, और कुछ बचा क्या? नहीं। अब कहानी ये है, सुनना आप ध्यान से, अब इधर देखना, हमें चाहिए अब एक ऐसा सर्कल जो सी पी ए बी इनको सर्कमस्क्राइब कर रहा हूं, मतलब एक बड़ा सा सर्कल, तो मैं बड़ा सा सर्कल बनाऊं, देखो इनको इस तरह से चारों पॉइंट से टच करता हुआ लगभग ऐसा ही निकलेगा, बढ़िया परफेक्ट बन रहा है ना, कलर चेंज कर दे, दिख रहा है क्या? नहीं, सही है। चलो ये दिखा आपको सर्कल, ये सर्कल होगा, ये सबको मिलता हुआ जाएगा। अब ये मिल क्यों रहा है, आप इसके लिए रीजन है, देखो ये डायमीटर होगी, सेंटर से ज्वाइन कर रहे हैं इधर, ये डायमीटर पकड़ लेते हैं, क्या ये आपका 90 डिग्री है? तो इसका मतलब ये पॉइंट इसी पर होगा, नहीं आया, क्योंकि सेमी सर्कल में बनाया गया एंगल 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, तुम्हें पता ही है 90 डिग्री होता है, तो बिल्कुल ये भी होगा, ठीक है। और ये देखो, अगर इसको ऐसे कंसिडर करें तो ये भी आपका आ रहा है, तो एक एक सर्कल और बनाया जा सकता है, यानी कि वो सर्कल देखो पॉइंट से भी पास कर रहा है और इसके सेंटर से भी पास कर रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे इसकी इक्वेशन चाहिए, या दोनों ही एक ही बातें लिखी मैंने, इक्वेशन ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग ये या ये, दोनों एक ही बातें, ये ट्राइंगल को करे या फिर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो आज के दिन सी और सी, मान लो यहां पर क्या है, माइनस वी कॉमा माइनस एफ ले लेते हैं, सी और पी फिर क्या होगा, डायमीटर बन जाएंगे ना, बोलो, है ना। तो इसके लिए फोर्थ पॉइंट में यहां लिख देता हूं, फोर्थ पॉइंट के लिए है ना, सी एंड पी विल बी डायमीटर, या अगले स्क्रीन में लिख देंगे, आप लिख लीजिए, यहां तक बनाओ जो समझ में आए आपको, बनाओ बनाओ। तो इक्वेशन बहुत आसानी से लिखा जाएगा, x माइनस माइनस प्लस जी हो जाएगा, और x माइनस एक्स वन प्लस वाई प्लस एफ हो जाएगा, और y माइनस वाई वन इज इक्वल टू जीरो, लो सर्कल आ गया, डायमेट्रिक फॉर्म, ठीक है, डायमेट्रिक फॉर्म ऐसे लिखेंगे, ये दोनों CP विल बी डायमीटर, डायमीटर होगी तो सर ये भी आ गया, आसान आसान सवाल है, मुश्किल नहीं। हाँ, तो सर्कल ढंग से कर लो, और सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट लाइन और सर्कल दोनों मेंस के मेंस सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। इलिप्स हाइपरबोला तो एडवांस में आते हैं, चलें, चलो। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीपी पर विचार करेंगे, आप देखें ए बी पी, ये रहा, दिख रहा है सबको एबीपी, अब इसका एरिया चाहिए, तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, अब रुको ना, ये बेस है मान लें, हाइट ये मान लें क्या? नहीं, हाइट ये क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस मुझे आती है, नहीं आया, ये डिस्टेंस अभी भी निकाली कितनी है, एल कॉस थीटा, एल कॉन रूट एस वन, तो ये रूट एस वन कॉस थीटा, और ये डिस्टेंस मिल जाएगी क्या, ये लेंथ ऑफ क्या थी, सीओसी, लेंथ ऑफ सीओसी निकाली है क्या पीछे कहीं? अभी नहीं निकाली, चलो आओ इधर, दो अगले फोटो में चलते हैं। तो ये भी भर गया, तो फिर से बनाना पड़ेगा क्या, समझ गए ना? तो एरिया, पांचवा क्वेश्चन, ट्रायंगल ए बी पी इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस, फिर से चलते हैं, बेस, बेस बोले तो ये टू रूट एस वन कितना, कॉस थीटा या साइन थीटा, साइन थीटा बिल्कुल, और ये लेंथ रूट एस वन कॉस थीटा बिल्कुल, एक बढ़िया सा फॉर्मूला आएगा, तो यहां लिख दो टू रूट एस वन साइन थीटा, सही है, इंटू टू, टू या नहीं रूट एस वन ओनली, रूट एस वन कॉस थीटा, क्या आपको समझ में आया, साइन इधर वाला था और कॉस, कितने लोगों को समझ में आया कैसे आया है पीछे, आए ना आए कोई फर्क भी तो नहीं पड़ता, एस वन आप इसको ऐसे भी लिख दो, टू रहने दो, तो चाहो जैसे भी लिख लो, एस वन साइन थीटा कॉस थीटा लिख लो,
या आप 2 थीटा में लिखना चाहते हो तो S1 by 2 sin 2 थीटा लिख लो। अब यहाँ 2 थीटा पूरा एंगल है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने आधा निकाला है, तो जो भी फॉर्मूला बना सकते हो ये बना लो। और कुछ बचा है अभी निकालने को? कुछ बचा तो नहीं, देख लो अभी। ये कुछ बचा है सीपीएबी। अब सीपीएबी का कैसे ले आओगे? तो ये 2 गुना हो जाएगा, ये ट्रायंगल दिख रहा है अभी, है ना? अगर क्वाड्रेटर सीपीएबी का एरिया मांगे हैं तो इस ट्रायंगल का 2 गुना, चलो ये भी लिख लेता हूं। लेकिन एक मिनट, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे लाओगे? ये परपेंडिकुलर और ये रेडियस, ये रेडियस है ना, यहाँ 90 डिग्री है, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मैं क्वाड्रेटर सीपीएबी का एरिया चाहिए तो 2 टाइम्स सिमेट्रिक बनेगा ना, तो ये आर इंटू रूट एस वन बक, बस ओनली आर इंटू रूट एस वन और 2 टाइम्स कर देंगे। चलिए, तो एरिया ये भी इंपॉर्टेंट चीज है पांचवें में सी में, एंड सिक्स थिंग इज क्वाड्रेटरल सीपीएबी का एरिया कैसे लिखा जाएगा? 2 टाइम्स ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा था? पी ए सी, सी दैट इज इक्वल टू 2 आर रूट एस वन, हाफ हाफ कैंसिल, तो एरिया याद कर लेना, बहुत आसान है, बढ़िया। रूट एस वन, क्या आपको समझ में आई इतनी बात? ये आर इज इक्वल टू रूट एस वन कब हुआ है? ये डायरेक्टर सर्कल में होता है, यानी कि डायरेक्टर सर्कल में देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट और रेडियस बराबर रहती हो जाए, यानी कि कोई सर्कल जिसके लिए ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो जाए तो उसका ये पॉइंट का लोकस डायरेक्टर सर्कल, यानी कि ये पास आना चाहिए थोड़ा सा, ये और ये बराबर, मतलब समझ गए, डायरेक्टर सर्कल। सभी को समझ में आई बातें? आज पेयर ऑफ टेंजेंट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट और ये पूरा एक डायग्राम है ना, ये याद रखना। और दूसरा पैरामेट्रिक कर्व, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्योंकि इन सब चीजों की अब आने वाले समय में हमें क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी, समय सही है। छठा एरिया, ये सब डायग्राम वही अपना, S1 को जानते हो सब लोग? तो देखो ज्यादा काम की बात नहीं, इसमें S1 की जरूरत पड़ रही है हमें, रेडियस की जरूरत पड़ रही है और थीटा एंगल की जरूरत पड़ रही है, कहानी सब कुछ, यानी कि एक सर्कल और एक बाहर पॉइंट दे दो तुम, फिर हमसे तुम कैलकुलेट करवा लो इनमें से कोई भी चीज, ठीक है? चलिए मिलते हैं कल, थैंक यू।